हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज गुरप्रीत सिंह। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री के बारे में। हमने इससे पहले पढ़ा ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया, कितना अच्छा, कितना ऐसे चमकता चमकता पास्ट है हमारा, है ना। अब हम बात करेंगे एम्पायर्स की, और स्पेशली मौर्य एम्पायर्स की। मौर्य और इसके बाद और पढ़ेंगे मौर्य एम्पायर के बारे में, है ना। हमारा चैप्टर है ये सेकंड। देखिए बच्चों, पहले एक सुनते हैं स्टोरी। एक छोटा सा बच्चा, एक चाइल्ड, कोई 8-10 साल की उसकी एज होगी, वो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? राजा। राजा उसका एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा, वो भी तू ये काम कर, ऐसे बच्चों को कह रहा था। मतलब पूरा उसने ना एक बढ़िया सेटअप लगा रखा था। तो वहां से एक टीचर, एक प्रोफेसर गुजरे। उन्होंने देखा भाई बच्चा तो बड़ा शानदार है, ये पता नहीं क्या कर रहा है। वो टीचर कौन थे? चाणक्य कहें, चंद्रगुप्त के गुरु कहें, चाहे विष्णुगुप्त कहें, कौटिल्य कहें, कितने ही इनके नाम हैं। तो क्या कहानी थी, क्या माजरा था, क्या चल रहा था, किसको राजा बनाने की बात हो रही थी, जाने की। लेकिन इससे पहले हम करेंगे कहानी को रिवर्स। रिवर्स कहाँ तक? मगध। देखिए, हमने इससे पहले 16 महाजनपद की बात की थी। महाजनपद कितने बड़े बड़े एरियाज थे, हमने इनके बारे में जाना। कौन कौन से महाजनपद थे, इनकी कैपिटल क्या थी, हमने हर चीज़ के बारे में जाना। अब बात है मगध। मगध सबसे डेवलप्ड, सबसे वेल सिचुएटेड एक प्लेस था, ठीक है ना। क्यों था? सबसे पहले तो यहाँ पर आयरन माइंस थी, यहाँ पर जो रिसोर्सेज थे वो बहुत अच्छे थे। जो गंगा रिवर बेसिन का फ्लड एरिया होने के कारण ये बहुत ही फर्टाइल एरिया था। यहाँ पर फसलें अच्छी थी, उपजाऊ मैदान थे, है ना। तो अच्छा काम था, ट्रेड अच्छा था। पर एक पंगा था। क्या पंगा था? कि इसके राजा अच्छे नहीं थे। अब सबसे पहले बात आती है हर्यक वंश। हर्यक डायनेस्टी, ठीक है बच्चों। अब इससे पहले भी मगध तो एग्जिस्ट तो करता था। मगध कहाँ पर है? आज का जो बिहार है, ओडिशा का कुछ एरिया, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, उसका एरिया, ठीक है ना बच्चों। तो उस टाइम में जो हर्यक डायनेस्टी, वो सबसे पहले एक साथ आई। इस जो पर्टिकुलर एरिया था, पर्टिकुलर लैंड मास था, जिसे मगध कहते थे वहाँ पर। तो इसके बाद कुछ और भी आए, करते करते एक आए इसमें नंद डायनेस्टी। और इसको फाउंड किया था महापद्मानंद ने, ठीक है। अब जिसने फाउंड किया वो तो है ठीक, लेकिन इसके बाद इसके लास्ट और सबसे क्रूअल जो एम्परर थे, इसके किंग थे, वो आए, और उनका नाम था धनानंद। धनानंद मतलब जो धन से आनंदित होता हो, और ऐसा ही इस बंदे का नेचर था। देखिए, जब हम कभी एम्पायर बनाए, कोई स्टेट बनाए, या कुछ भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाए जिसे हम ऐसा माने कि वो किसी खास बंदे का प्रतिनिधित्व करता है, तो हम मानते हैं कि जो स्टेट बनता है उसका सबसे सबसे खास काम, सबसे मेन मोटो वो क्या है? वेलफेयर स्टेट बनना। और एक वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वेलफेयर स्टेट वो है जिसमें जो वहां के रहने वाले लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान रखें, कि बाहर के लोग हैं वो यहाँ पर देख के इन्वेंशन या अटैक ना कर दें, इन्वेजन ना कर दें, यहाँ के लोगों को तंग ना करें। इसके बाद वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरह से बांटना, ट्रेड है उस पर ध्यान रखना, उस पर कंट्रोल रखना अपना, ठीक है। उसके बाद अच्छी से अच्छी एजुकेशन और अच्छे से अच्छा जो हेल्थ सिस्टम है वो डेवलप्ड हो, उसको ध्यान में रखें, ठीक है ना। इसी के लिए तो हमने जो पुराने जो कबीला टाइप की हमारी सोसाइटी थी ना, उस टाइम में हमने, इसीलिए तो हमने बनाई थी सोसाइटी, ऐसा राज्य, कि
जो आम कॉमन पीपल हैं उनको उनकी वेलफेयर के लिए एक अच्छा स्टेट बने, एक अच्छी ऐसी स्ट्रक्चर बने जिसे हम स्टेट कहेंगे, ठीक है ना। तो वो था धनानंद। अब धनानंद था बिल्कुल क्रूअल, उसको किसी की नहीं पड़ी, अपना कर रहा है, ठीक है, दारू पी के मस्त सो रहा है। तो इसी टाइम में क्या हुआ कि एक कमेटी, एक काउंसिल हुई, किस चीज़ की, ये काउंसिल थी बहुत सारे ब्राह्मण्स की। अब उस टाइम में जो ब्राह्मण्स थे उनको मानते थे अच्छा, क्योंकि ब्राह्मण्स को बहुत सारा ज्ञान होता है, ठीक है ना, उन्होंने वेद पढ़े हैं, अरण्यक पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं, तो हम ये मानते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। तो उस टाइम में एक ब्राह्मण आए वहाँ पर, जिनका नाम आप सब जानते हैं, उनका नाम था चाणक्य। अब चाणक्य ने एक बुक लिखी है, कौन सी बुक है वो, वो बुक है अर्थ शास्त्र। अर्थशास्त्र है बेसिकली जो पॉलिटिकल बुक है, लेकिन हालांकि इसमें कुछ और भी बातें डिप्लोमेसी के अलावा भी, आम जिंदगी के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। तो उसमें एक बताया गया था कि एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर कैसा हो, एक अच्छा स्टेट कैसा हो, उसमें क्या कुछ होना चाहिए, इन सभी बातों के बारे में उन्होंने बताया था। तो इतनी बातें वो मानते हैं, वो मानते हैं कि जो राजा है वो लोगों के भलाई के लिए है, और ये इतने पुट्ठे काम कर रहा है, तो विरोध तो हो गए, ठीक है, इनका जो टकराव हो गया, क्लिप्स हो गई वहाँ पर, क्लिप हो गया इनका। तो क्या हुआ कि जो धनानंद था उन्होंने पकड़ कर इसको बाहर फेंक दिया, ठीक है, ऐसा लिखा है टेक्स्ट में, ठीक है, बाहर फेंक दिया। तो इन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं इस धनानंद का सर्वनाश नहीं कर देता तब तक मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। तो निकल पड़े और देखा चंद्रगुप्त को, हाँ जी वही चंद्रगुप्त जिसकी हम कहानी की बात अभी कर रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। अब क्या था, उन्होंने सोच लिया कि इस बच्चे को मैं यहाँ का सम्राट बनाऊंगा, अखंड भारत का। अखंड मतलब जो भारत टूटा नहीं है, जो छोटे छोटे पार्ट्स में नहीं है। अब अखंड भारत उस टाइम में 16 महाजनपद थे। अब इनमें समस्या क्या थी कि एक महाजनपद दूसरे पर कभी अटैक, कभी ये इस पर इन्वेजन करते रहते थे। क्यों, क्योंकि वो महत्वाकांक्षी थे, वो इम्पोर्टेंट बनना चाहते थे, अपने जो अपना एम्पायर है उसका और बड़ा करना चाहते थे, इसके लिए उसको एक्सप्रेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया। इससे क्या था, एक सोल्जर मरते थे, एक आम जो कॉमन पीपल थे उनकी कैजुअलिटी होती थी, तो लोग दुखी थे इससे। तो चाणक्य ने सोचा क्यों ऐसा ना हो कि जो पूरा का पूरा इंडिया, जो 16 के 16 महाजनपद हैं, उनको हम इंटीग्रेटेड कर दें, उनको एक साथ रख दें, तो किसी को ये होगा ही ना कि मैं अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड करूं, है ना, कोई किसी को ऐसा नहीं होगा। तो उन्होंने इसी के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। अब चंद्रगुप्त मौर्य एक छोटा सा बच्चा जो बच्चों और बच्चों के साथ खेल रहा है, उसको कैसे राजा बना दे, उसके लिए उसको चाहिए ट्रेनिंग। तो चंद्रगुप्त जो चाणक्य था, वो जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसको ले गया। कहां पर ले गया, वो इसे ले गया तक्षशिला में। और तक्षशिला क्या था, तक्षशिला में थी एक यूनिवर्सिटी। ठीक है ना, वहां पर इसको लगभग 8 ईयर्स तक पढ़ाया, उसको हर तरह की टीचिंग दी, चाहे वो डिप्लोमेसी के रिलेटेड हो, चाहे वो वेपन चलाने के लिए हो, चाहे सोल्जर ट्रेनिंग हो, चाहे स्पिरिचुअल ट्रेनिंग हो, चाहे किसी भी तरह की पढ़ाई लिखाई की, हर तरह की ट्रेनिंग हो, सो टीचिंग भी 8 ईयर्स तक। ठीक है ना, अब वो थोड़ा सा तैयार हो गया था। और देखिए इसी बीच क्या हुआ, इसी बीच एक ग्रीक थी, ग्रीक कंट्री, ठीक है, वहाँ के एक किंग थे अलेक्जेंड्रा, जिसे हम सिकंदर कहते हैं हिंदी में, अलेक्जेंड्रा ने इंडिया पर अटैक कर दिया। ठीक है ना, अब कुछ ऐसी थ्योरीज भी है कि चाणक्य इसी के लिए धनानंद के पास गया था कि भाई साहब अटैक हो रहा है, बाहर से बंदे आ रहे हैं, बचाओ, लेकिन उसने अनसुना कर दिया, उसने चाणक्य की बेइज्जती कर दी। ठीक है ना, तो ग्रीक का एक जो था एम्परर था वहाँ का, वो इंडिया में आ रहा था, और इंडिया में कैसे आएगा, वो आएगा वेस्टर्न लाइन से। अब देखिए ये है इंडिया का नक्शा,
चलो अब बाद में बनाऊंगा आपको, ठीक है। तो उससे बचने के लिए क्या किया चाणक्य लोगों ने एक साथ हुए, पंजाब आज का है वहाँ पर एक किंग थे पोरस, पोरस ने एकदम अच्छी तरह से अलेक्जेंडर का मुकाबला किया और एक पंगा और हो गया था। अलेक्जेंडर को लड़ते लड़ते हो चुके थे सेवन ईयर्स ऑफ वॉर। अब जो उसके सोल्जर थे ना वो दबाव दे दिया उन्होंने कि भाई साहब 7 साल हो गए घर पर चलो, इतना क्या है। तो इससे जो अलेक्जेंडर था उसको भी थोड़ा सा लगा यार परेशान कर रहे हैं इनको, तो वापस चला गया, ठीक है ना। हालांकि जो उस टाइम में जो चंद्रगुप्त मौर्य था ऐसा मानते हैं कि वो उस टाइम का जो ग्रीक का एम्परर था कौन अलेक्जेंडर, उसकी आर्मी में रहा था। अब आर्मी में क्यों रहा था, चाहे तो वो ट्रेनिंग के लिए रहा हो कि मैं देखूं इनका जो वॉर स्टाइल है वो कैसा है, कैसे लड़ते हैं, क्या इनकी स्ट्रेटजी होती है लड़ाई के टाइम, है ना, सब कुछ उसने ऑब्जर्व किया वहाँ पर रहकर। और ऐसा भी मानते हैं कि उसमें और जो अलेक्जेंडर थे उनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, है ना। जो भी बातें हों हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो मगध पर अब राज करने के बारे में सोचने लगा था। लेकिन मगध इतना बड़ा एम्पायर ये तो है नहीं कि सीधा जाकर उस पर हमला कर देंगे। चाणक्य हुए थे 350 BC बोर्न मानते हैं, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है उनका मानते हैं 340 BC। हालांकि कितना ये सच्चा है कितना झूठा है इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए मगध पर हमला करना इतना आसान नहीं है, इतना बड़ा है, इतने उसके पास रिसोर्सेज हैं, इतनी फोर्स है उसके पास, इतनी बड़ी इन्फेंट्री है, अब कैसे एक साधारण सा ब्राह्मण और साधारण सा बच्चा एक हमला कर देंगे उस पर। लेकिन इन्होंने कर दिया हमला, ठीक है ना, हमला कर दिया तो कुछ भी नहीं हुआ, इनकी बाटी मंजी गई। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य थे और उनको पकड़कर जेल में डाल दिया वहाँ पर मगध में, ठीक है। उसके बाद एक मानते हैं कि एक दिन जो चंद्रगुप्त मौर्य इतना भूखा था कि जो चाणक्य था उसने एक ब्राह्मण था वो पेट भर के खाना खा के आया था, उसका पेट काट कर उसमें से खाना निकाल कर चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया कि बेटे खा ले, ठीक है ना। थोड़ा सा इतना प्रेम भी आ जाता है कि इतना टाइम हो गया मेरे साथ रह रहा है, जो भी है, हालांकि कितना सच्चा है कितना झूठा है उसके बारे में पता नहीं, पर ऐसी थ्योरीज है हमारे सामने, ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, ठीक है ना बच्चों। अब किसी तरह से वो वहाँ से भाग गए, भागकर वो गए वेस्ट में पंजाब, पंजाब को उन्होंने जीत लिया लड़ाई करके। इतना तो चंद्रगुप्त मौर्य योग्य था, इतना लायक था, ठीक है ना। कुछ उसने अपने लोग भी थे छोटे से, उसने आर्मी बना ली थी जिसने जिससे उसने पंजाब को जीता। अब पंजाब को जीतने के बाद वो गया माउंटेन एरिया में, अब देखो बच्चे उसका उसने कुछ ट्रीटीज की कुछ किंग के साथ कि हमने उनको कहा कि हम एक अखंड भारत बनाएंगे मिलकर उस पर रूल करेंगे, लेकिन वो तो कहने की बात थी ना, एक बार सभी को अपने लपेटे में ले लिए। तो माउंटेन किंग के साथ उसने मिलकर मगध पर इन्वेजन किया तो जीत भी लिया उसको। अब इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य कितना बड़ा नाम है ना, चंद्रगुप्त मौर्य बन गए 323 भी कहते हैं कोई 322 कहते हैं BC में रूलर, और ये कब तक रहे हैं 298 BC तक। अब बनते ही क्या करेंगे ये, जो जितना भी जो उनके स्टेट में वायलेंस है उसको ख़त्म किया। देखिए अगर राजा आलसी है लेजी है तो उसके जो ऑफिसर्स हैं उसके जो कॉमन पीपल हैं सभी आलसी हो जाएंगे, क्यों जो आम लोग हैं उनमें या जो उनके ब्यूरोक्रेसी है उनके ऑफिसर्स हैं उनके सोल्जर हैं उनमें जो किंग है उनका उसकी इमेज होगी, ठीक है ना। अब देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ये राजा बन चुका है, इसने अब शुरू कर दी कुछ रिफॉर्म्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, क्या कि जो इतने ज़्यादा करप्ट जो लोग हैं इतने करप्ट जो ऑफिसर्स हैं उनको ठीक करने हैं। तो इसके लिए उसने शुरू की कुछ सीक्रेट पॉलिसी, वो ध्यान रखने लगा कि कौन सा बंदा क्या कर रहा है। उसने खास डिपार्टमेंट्स बनाए हर चीज़ के लिए, और उससे पहले उसने कराया रोड कंस्ट्रक्शन, अब रोड कंस्ट्रक्शन उसने शुरू करवा दिया था।
कि सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी, अगर ट्रेड करना है, अगर इधर का सामान उधर भेजना है तो सबसे जरूरी है रोड। उसके बाद उसने जो डेवलप्ड की अपनी नेवी, ठीक है ना बच्चों। अब नेवी को डेवलप करने के पीछे क्या वजह रही होगी कि उसको डर था कि उसका एम्पायर इतना बड़ा हो चुका था कि इधर से लड़ाई ना हो जाए, कोई समुंदर के रास्ते ना आ जाए, वो हमसे पंगा ना ले ले, ठीक है ना। और कुछ रिवर्स थी उसमें भी बोट चलती थी ताकि ट्रेड हो सके, तो उसकी नेवी अच्छी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी, ठीक है ना बच्चों। ये सब था, उसने रोड बनाई थी एक पाटलिपुत्र से देहरादून, ठीक है ना, इतने टाइम पहले इतने अच्छे इंजीनियर्स लगाकर, ठीक है ना। और उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए बहुत कुछ किया था, ठीक है। अब एक चाणक्य है, उनकी जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, उसने बताया कि एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए। अब सीधी सी बात है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य का एम्पायर है और वहां पर जो पीएम है वो कौन है, जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, चाणक्य है, प्राइम मिनिस्टर है जो किंग का चीफ एडवाइजर होता है, जो वो कहेगा वही बात किंग मानेगा। अब चाणक्य कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर हो, उन्होंने एक आइडियल स्टेट पर एक बुक लिखी हो, ठीक है ना, वो मानते हो कि कैसा एक राजा होना चाहिए, कैसे उसके आगे वाले जो उसकी ब्यूरोक्रेसी है उसके ऑफिसर्स हैं होने चाहिए, कैसे कॉमन पीपल के साथ बिहेवियर होना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, कैसी डिप्लोमेसी होनी चाहिए, कैसा सोल्जर जो हमारी सैनिक व्यवस्था है वो होनी चाहिए। तो अगर उसने कुछ ऐसा सोचा होगा और अगर खुद अब उसके पास पावर है तो सीधी सी बात है उसको इम्प्लीमेंट भी करेगा। तो हम मान सकते हैं कि जो चाणक्य ने अपनी बुक लिखी थी उस पर जो बातें उसने मेंशन की थी वो सभी बातें, वो सभी जो अप्लाई किया होगा वो चीज़ें उसने किया होगा चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी के टाइम में, मौर्य एम्पायर के टाइम में, ठीक है ना बच्चों। अब रोड्स बनने लगी, अच्छे मजे आ रहे हैं सभी को। इतने में क्या हुआ बच्चों कि जो वेस्ट साइड था, पहले तो उसके अंदर हुआ विद्रोह, ठीक है ना, तो उसने गवर्नर बना दिया, हर स्टेट में गवर्नर बना दिया, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप उसने सेट कर लिया, लेकिन एक पंगा था। अलेक्जेंडर तो खुद तो चला गया, लेकिन उसने जो कॉन्कर किया हुए उसके एरियाज थे उस पर उसने कुछ गवर्नर्स को बना रखा था। उस गवर्नर्स को हम अगर आज की भाषा में बात करें वो थे स्ट्रेपाइज, स्ट्रेपाइज बहुत ही खास नाम है ना, Strapiees, इसको हमने गवर्नर कह सकते हैं। तो ये था सेल्यूकस। सेल्यूकस वैसे तो जो अपना था अलेक्जेंडर, ठीक है, उसके साथ आया था, उसका चीफ कमांडर कह दें चाहे उसका जनरल कह दें, उसकी आर्मी का जो भी था वो वहां पर राज कर रहा था। तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, भाई साहब कभी चंद्रगुप्त हमला करे कभी वो इन्वेजर करे, ऐसा चल रहा था। अब इससे वेल्थ और टाइम दोनों का नुकसान, और दोनों में जो उनके बॉर्डर एरिया थे उनके डिस्प्यूट टेंशन चल रही थी। तो दोनों ने मिलकर एक ट्रीटी को साइन किया, वो ट्रीटी थी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच में, चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में। उस ट्रीटी में क्या था, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, इन्वेजन नहीं करेंगे, जो बाउंड्रीज थी वो डिसाइड कर लेगी। और सेल्यूकस ने अपनी बेटी थी हेलेना, उसकी शादी कर दी चंद्रगुप्त मौर्य से, और हेलेना ने इसको दिए 500 एलिफेंट गिफ्ट कर दिए, ठीक है बच्चों। अब ये हाथी लेकर कुछ है बंदा, अब देखिए जहां पर अपनी रिश्तेदारी हो वहां पर अब हम अपने हमला नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इनकी थोड़ी सी दोस्ती हो गई। अब उस दोस्ती में एक और पंगा, इसने और क्या काम किया कि सेल्यूकस ने अपना एक एम्बेसडर भेज दिया इसके पास, उसका नाम था मेगस्थेनीज, है ना, अपने पीछे पढ़ा था इस पर, उसने बुक लिखी थी इंडिका, इंडिका ऐसे लिख दो चाहे इंडिका ऐसे लिख दो की बात है, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक कोई मायने नहीं रखती हिस्ट्री में इतनी, ठीक है ना, हाँ थोड़ा बहुत हो। अब उसने इस टाइम के बारे में बताया कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप था वो कैसा था, उसका डिप्लोमेसी कैसी थी, रिलेशन कैसे थे, वहाँ पर क्या कुछ था तामझाम उसने बताया, कितना अच्छा था, कितने बड़े बड़े महलों में चंद्रगुप्त रहता था, हर चीज़ के बारे में उसने डिस्क्राइब किया है बच्चों, ठीक है ना। तो मजे तो थे, इस बात में कोई दुराय नहीं है। अब इसके बाद में आता है 298 BC का ईयर। तो चंद्रगुप्त वैसे तो हिंदुस्तानी था, ठीक है ना,
इसमें भी अलग अलग बातें हैं कि वो शूद्र था, सो कोल्ड जो लो कास्ट थी, या फिर वो अपर कास्ट से था, क्षत्रिय था, इसमें था। अब कुछ लोग कहते हैं कि वो शूद्र था। तो इसमें एक बात आती है कि चाणक्य ने अपनी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें एक राजा, एक आइडियल राजा, एक किंग के बारे में कहा था कि वो हमेशा अपर कास्ट होना चाहिए ताकि सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर लें, है ना। क्योंकि इंडिया में कास्ट सिस्टम तो था ही, तो सभी उसको एक्सेप्ट कर लें, इसके लिए उसको अपर कास्ट होना चाहिए। लेकिन वो लोअर कास्ट कैसे हो सकता है कि जो चाणक्य की बातों पर खरा ना उतरे, ठीक है ना बच्चों। तो वो अपर कास्ट था। 298 चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म को फॉलो किया, ठीक है। अब कब फॉलो किया इसका कुछ नहीं पता हमें। तो उसने सारा राजपाट त्याग कर साउथ में चले गए। एक तो भाई बड़ी बात है, जिसने सारा कुछ छोड़ दिया वो तो यहाँ साउथ में जाएगा या पहाड़ों पर, ठीक है ना। ये बात तो है। अब साउथ में चला गया, साउथ में एक कर्नाटक में जगह है श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला जो कर्नाटक में है और बेंगलोर के पास है, उसके नज़दीक है। तो क्या हुआ कि श्रावण बेलगोला में उसने फास्ट किया। एक जैनिज्म में एक रिचुअल है, एक ट्रेडिशन है संथारा, उसमें हम फास्ट करेंगे और अपने शरीर को छोड़ देंगे। हालांकि अब के टाइम में गवर्नमेंट ने इसको बैन किया हुआ है। उसने छोड़ दिया, अन्न पानी बंद है, तो वो मर गया भाई साहब, ठीक है ना। इस तरह से ये ख़त्म हो गया। अब इसके बाद आते हैं बिंदुसार। बिंदुसार थे चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे और रानी दुर्दरा के बच्चे, उनके बेटे। इनकी क्या कहानी है, सभी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। बिंदुसार, और अगर बिंदुसार के टाइम पीरियड की बात करें तो वो लगभग थे 298 BC to 272 BC। हालांकि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। तो बिंदुसार, बिंदुसार थे रानी दुर्धरा के बेटे। दुर्धरा थी चंद्रगुप्त मौर्य की रानी और महादनानंद की बट्टी, उनकी बेटी, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि जब दुर्धरा ने इसको जन्म देना था बिंदुसार को, तो उस टाइम में उसको कुछ ऐसी बीमारी होगी, उसको पॉइजन का अटैक हो गया। तो ऐसी सिचुएशन आई कि सिर्फ जो उसका बच्चा था उसको ही बचाया जा सकता था। तो चाणक्य की एडवाइस पर बिंदुसार को बचा लिया गया, ठीक है ना, उसकी टाइम से पहले उसको जन्म दिया गया, ठीक है। तो इस बात का पता लगा बिंदुसार को, किससे पता लगा, उल्टे सीधे लोगों से जो चुगली करने वाले हैं, अड़ंगा डालने वाले पागल लोग कुछ, ठीक है ना। उसने कह दिया कि भाई चंद्रगुप्त तो ऐसा बंदा है, उसने तो तेरी माता को मरवा दिया। तो चंद्र इससे बिंदुसार भी थोड़ा सा ऐसे हो गया, डिस्टर्ब हो गया, भाई चाणक्य ने ये काम किया। अब चाणक्य जो था उसने तो बिंदुसार को अपने हाथों में देखा, उसके हाथों में बड़ा हुआ, उसकी परवरिश की। अब वो बिंदुसार चाणक्य को उल्टा सीधा बोलने लग गया, भाई साहब आप कुछ भी नहीं हो, आपने हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है, ऐसा ऐसा ना, उल्टी सीधी बातें वो बोलने लग गया था। तो इससे चाणक्य हो गया दुखी, उससे पावर भी उसकी कम कर दी गई। तो वो कहता भी मैंने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने में मदद की, तो वो सारा कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में चला गया। हालांकि कुछ टेक्स्ट में लिखा गया कि बाद में उसको पता लग गया था, उसने उसके लिए अपोलोजाइज किया, और चाणक्य अपनी उम्र के कारण अपनी मर्जी से चला गया। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन वो भी चंद्रगुप्त जैसा था, उसी का आइडियाज थे, चाणक्य उसी पर चल रहा था ना ये, तो ये चलता रहा। अब उस टाइम में जो इनके ग्रीक रिलेशन थे वो भी अच्छे थे। एक ग्रीक किंगडम थे एंटियोकस, उन्होंने डाईमेकस नाम का एक एम्बेसडर भेजा था, डाईमेकस। ठीक है, अब चंद बिंदुसार थे जो उनके दो बच्चे, वैसे तो उनके थे 101 चाइल्ड, लेकिन दो बड़े खास थे उनमें से। कौन कौन से? एक तो थे मौर्य एम्पायर के बनने वाले अगले सबसे बड़े सबसे खास एम्परर, वो थे अशोक, और उसके बाद उनके दूसरे थे सुशीमा।
सुषमा एंड अशोक। अब अशोक के बंगा था कि अशोक सुंदर नहीं था देखने में, जब हुआ वो कुरूप था, गंदा था, उसकी शक्ल इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसको कभी भी बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ। अब बाप का प्यार नसीब नहीं हुआ तो दुखी, पर उसकी माता थी सुभद्रांगिनी, इसकी माता थी सुभद्रांगिनी। ये हमेशा अशोक को थोड़ा सा कहते थे बच्चे ऐसे ही कोई बात नहीं है, ठीक है। अब अशोक इतने बड़े राज घर में पैदा हुआ हो तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके मजे रहे होंगे, है ना। वो उसको अच्छी परवरिश मिली थी पर पिता का प्यार नहीं मिला, ठीक है ना। उसको अच्छी सोल्जर बनाने के लिए उसके पिता ने उसको अच्छी जगह पर भेजा, ठीक है ना। उसको अच्छी एजुकेशन दी गई, अच्छी यूनिवर्सिटी में बच्चा पढ़ा वो, लेकिन पिता का प्यार नहीं मिला। फिर वही बात, सुषमा था उसको उसका बाप बनाना चाहता था अच्छा राजा बिंदुसार, उसके जो फादर साहब थे, ठीक है ना। तो इसके लिए हमेशा वो सोचते थे कि इसी को बनाऊंगा, लेकिन सुषमा था बिल्कुल लेजी, बिल्कुल निकम्मा, किसी काम का नहीं था वो, ठीक है। तो अशोक था वो इसके लिए केपेबल था। तो अशोक का एक खास बंदा था राधागुप्त। ठीक है बच्चों, अब राधागुप्त का अशोक को एक एम्परर बनाने में, एक एम्पायर बनाने में, उसको वहाँ का राजा बनाने में वही काम था, वही कंट्रीब्यूशन था जो कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए किया था। जैसे चंद्रगुप्त को एम्परर बनाया था चाणक्य ने, उसी तरह से जो राधागुप्त था उसने अशोक को एक एम्परर बनाया था, ठीक है ना बच्चों। अब क्या हुआ कि जो उनका इतना बड़ा एम्पायर है मौर्य एम्पायर, उसका वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न साइड कौन सा, तक्षशिला। तक्षशिला में रिवोल्ट हो गया किसी कारण से। अब इसके लिए जो बिंदुसार था उसने भेजा अशोक को कि बेटा जा तू मंदिर ले जा थोड़े से और वहां पर थोड़ी शांति ला, ठीक है ना। अब उसने भेजा कि वो मर मुर जाए तो ठीक है, और ये बात एक बात कह दी कि आपने कोई टूल्स या कोई वेपन्स अपने साथ नहीं लेके जाने। तो कहते हैं ठीक है पिताजी, अब आपने कह दिया तो चलते हैं। तक्षशिला में गए तो तक्षशिला के लोग अशोक को बहुत पसंद करते थे, अशोक को पसंद करते थे, तो स्वागत किया अच्छी तरह से, भाई साहब आप तो आ गए, मजे हैं आपके तो, ठीक है ना। ये रिवोल्यूशन शांत हो गया और इसके कारण उसको अवंती, अवंती की कैपिटल है उज्जैनी, यहाँ का वाइस चांसलर बना दिया गया था, ठीक है ना बच्चों। अब बात करते हैं इसके बाद की। इसके बाद फिर से एक बार रिवोल्ट हो गया तक्षशिला में, इस बार भेजा गया भाई साहब अशोक की जगह सुषमा को। सुषमा गया, नकारा था काम, तो काम तो उसका था नहीं था कोई, तो वहाँ पर बात बिगड़ गई, ठीक है ना, सेट नहीं हो रहा था काम। और इधर हो गया बिंदुसार बीमार, बिंदुसार बीमार, तो राधागुप्त भाई सब खुश पूरे कि बच्चा उनका दूर है, अभी मैं अशोक को राजा बनाऊंगा, ठीक है ना। तो डिक्लेयर करने की बारी आ गई थी उनके बाद उनका राजा, उनका बच्चा राजा, कौन सा बच्चा राजा बनेगा। तो ये डिसाइड हुआ कि अशोक बनेगा, अशोक ने खुद किया कि मैं बनूंगा, अभी मैं ज़्यादा लायक हूँ, लेकिन मान नहीं रहे थे। पर अब करते क्या, सुषमा तो था नहीं, तो उसने खुद को राजा डिक्लेयर कर लिया और बिंदुसार भाई साहब मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब बात आती है अशोक की। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते, लेकिन अपने दादा के भी दादा, वो अपनी बातों में, अपने कामों में, ठीक है। तो अशोक जो बने थे एम्परर, वो बने थे 273 को अशोक। BC से लेकर 232 BC। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ना अलग अलग बातें हैं कि कोई किसको सही मानता है, कोई किसको। अब जब अशोका बने तो उस टाइम तक थोड़ा सा जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेट हो चुका था, किसके कंपैरिजन, जो नंद डायनेस्टी थी उसके कंपैरिजन, उसके कंपैरेटिव, ठीक है ना। अशोका ने आते ही सबसे पहले, ऐसा मानते हैं कि उसने
पावर में आने के लिए अपने 99 ब्रदर को मरवा दिया था, ऐसा मानते हैं, ठीक है ना। अब देखिए उसके कुल थे 101 भाई बहन थे, वो भाई थे इतने वो। अब अशोका, उसका जो भाई था सुशीमा, ठीक है, जिसको पहले राजा बनाने की सलाह थी, वो आ गया, कहता भाई साहब ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो कहते भी ठीक है, देख लेते कौन तगड़ा है, हो जाए फिर मैदान में कुछ ऐसा सेट हुआ कि हम इनको हराएंगे। तो राधा गुप्त ने अशोक से कहा कि हम क्या करेंगे, एक खड्डा एक डिक करेंगे, उस पर कुछ झाड़ियाँ जुड़ियाँ रख देंगे, ठीक है। अब जब राधा गुप्त इधर से आएगा तो उस ऊपर से आएगा तो धड़ाम नीचे गिर जाएगा वो। तो ये क्या ठीक है, अभी ऐसे करेंगे, ऐसे ही हुआ और जो सुशीमा था उसको रास्ते से हटा दिया गया। अब बात करते हैं आगे, बहुत ही गंदा शक्ल गंदी इसकी, ऐसे मानते हैं अपने। अब आगे क्या होता है, अब देखिए जब अशोक जिंदा था ना, तो अब उसका पिता जिंदा था उस टाइम, एक एस्ट्रोलॉजर था, उसने कहा था कि ये बंदा राजा बनेगा। तो क्लियर तो पहले से था कि ये बंदा बनेगा राजा, लेकिन अब उसने प्रूव कर दिया था। अब उसको प्रूव करना था अपनी पावर का। देखिए जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं कर सकता वो सका था, वो अशोक ने कर दिया था। उसने अपना राज्य अपने स्टेट को इतना एक्सटर्न किया, इतना एक्सटर्न किया कि क्या बताएं, पूरे के पूरे इंडिया को उसने कॉन्कर कर लिया था, ठीक है ना। सभी जगह से आवाज़ें दबने लगी, और ख़ास बात कि वहाँ के लोग भी उसको बहुत पसंद करते थे। अब चंद्रगुप्त है, बिंदुसार है, उसके बारे में तो हमें चाहे कुछ ना पता हो, लेकिन अशोक के बारे में हमें पता लगता है उसके इंस्क्रिप्शन से, उसके पिलर से, है ना, उसके पिलर से। कितनी है ना पिलर, सारनाथ का है, बहुत सारे हैं पिलर उसके, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पिलर अब तक हमें इसी के मिले हैं ना, इसके इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कितनी जगह पर मिले हैं, तो हमें इसके बारे में इतना पता लगता है। अब बच्चों क्या हुआ कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एक था कलिंग, कलिंग था आज का जो ओडिशा है ना, वहाँ पर काफ़ी अच्छा स्टेट था, काफ़ी डेवलप्ड था। इसमें खास चीज़ ये थी कि ये जो कोस्टल लाइन थी, जो तटीय सीमा थी, जो समुंदर से लगती थी, उसके बिल्कुल पास था। तो कभी नेवी को यूज़ के लिए ज़रूरत हो, या कभी और कहीं पर जाना हो, कोई ट्रेड करना हो, तो एकदम बढ़िया लोकेशन थी। तो इसको जीतना अब था ज़रूरी, ठीक है। तो ऐसा मानते हैं कि चंद इसने यहाँ पर कलिंग में हमला किया। देखिए कलिंग ही एक स्टेट बचा था जो इसको जीतना बाकी था, और लगभग सारा चोल चाल वगैरह साउथ के स्टेट ना, जो अभी तक किसी ने जीते ही नहीं थे, वो उसने अब अपने कंट्रोल में कर लिए थे। अब कलिंग पर अटैक हुआ तो कलिंग वाले भी बहादुर। तो ऐसा मानते हैं कि अप्रोक्सीमेट 1 लाख के करीब सोल्जर्स और 150 लाख के करीब 1,50,000 के करीब जो कॉमन पीपल थे, इनकी कैजुअल्टी हुई। अब रोज उनका जो कमांडर था उनके पास आता कि भाई साहब सर आज इतने मर गए, सर आज इतने मर गए। तो अशोक अंदर ही अंदर से टूट रहा था कि क्या हो रहा था। ऐसा कहते हैं कि उस टाइम में वहाँ की जो जमीन थी वो ब्लड से, और उनका जो मांस था, उनका मीट था, उससे इतनी ज़्यादा हो गई थी, वो कीचड़ बन गया, वहाँ पर मड बन गया था एकदम। और ये मड कोई मिट्टी का मड नहीं था, ये था ब्लड और हमारे ह्यूमन के मीट का मिक्सचर। ये बुरी हालत हो गई थी उस टाइम में। तो इसको देखकर भी बहुत ज़्यादा ये दुखी हो गया था, ठीक है ना। ऐसा मानते हैं कि अशोक बहुत ज़्यादा क्रूअल था पहले, ठीक है ना, वो बहुत लोगों को मराता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि श्रीलंका वहां पर कुछ दो टेक्स्ट हैं लिखे गए हैं, कौन कौन से, दीपवंश एंड महावंश। देखिए बच्चों ऐसा मानते हैं कि जो दीपवंश और महावंश में जो लिखा गया है कि वो जो अशोक था वो पहले बहुत ही ज़्यादा क्रूअल था, लेकिन जब उसने बुद्धिज़्म को अपनाया, उस बुद्धिज़्म को फॉलो किया, उसकी अच्छी बातें, उसकी मॉरल टीचिंग्स उसको फॉलो किया, तो उसके लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आ चुका था। कैसे कि उसने सबसे पहले तो मार कटाई, वॉर करना सब चीज़ों को छोड़ दिया था, ठीक है ना।
और एक अच्छा बंदा बन गया था कि बुद्ध की टीचिंग का उस पर इतना डिपेंड, इतना उसको इफेक्ट किया उसने। ये दिखाना चाह रहे थे कि बुद्ध की टीचिंग कितनी अच्छी है, ठीक है ना। हालांकि ऐसा हो सकता है कि पहले उसने कुछ ना किया हो। दूसरी बात, सबसे पहला बंदा था जिसने सेक्युलरिज्म को शुरू किया। जो अशोक था वो एक सेक्युलर था, हालांकि उसने बुद्धिज्म को फॉलो किया, लेकिन उसके स्टेट में, उसके सेटअप में, उसके एम्पायर में सभी रिलीजन्स को, सभी जितनी भी आइडियोलॉजी है सभी को एक बराबर दर्जा दिया गया था, ठीक है ना बच्चों। अब कलिंग वॉर खत्म हो गया, उसको बड़ा दुख हुआ। अब उसने ये प्रे कर ली कि मैं पूरी की पूरी उम्र कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करूँगा, आज से वॉर वाला झंझट खत्म। उसने कर लिया अब बौद्ध को फॉलो, बौद्धिज्म को फॉलो। अब क्या हुआ, उनका एक बच्चा था महेंद्र। महेंद्र को अशोक ने भेजा श्रीलंका। श्रीलंका में जाकर उन्होंने बुद्धिज्म को फैलाया, वहां पर उनका प्रचार प्रसार किया, ठीक है ना। अब अशोक बहुत हो चुका था दानी, उसने बहुत सारे रोड बनाए, बहुत सारे अच्छे काम किए, आम कॉमन पीपल्स के लिए बहुत सारे काम किए, ठीक है ना। उसने एक बौद्ध काउंसिल भी करवाई थी। अब बौद्ध काउंसिल क्या थी, ये देखिए आज के टाइम में हमारे पास लिखे हुए टेक्स्ट हैं, लिखी हुई बातें हैं, ठीक है ना, उस पर हम डिबेट कर लेते हैं। हमारे पास सोशल मीडिया है, हमारे पास अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमें रिलीजियस टीचिंग देते हैं, लेकिन उस टाइम में इतना कुछ नहीं था। नया नया बुद्धिज़्म आया था, ठीक है ना। तो कई बार क्या होती थी कि किसी एक बात पर दो राय बन जाती हैं, कुछ तीन राय, कुछ अलग अलग किसी के थॉट्स, अपने अपने व्यू होते, तो कौन सा सही है। तो उसके लिए बहुत सारे बौद्ध मॉन्क्स उनको एक साथ लाते, उनके बीच में डिबेट करवाते और देखते कि क्या बात अच्छी है। तो आज तक चार बुद्ध काउंसिल्स हुई हैं, उनमें से एक करवाई थी अशोका ने, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी काउंसिल हुई, अच्छी अच्छी बातों को वहाँ पर देखा गया। अब श्रीनगर, आज की कश्मीर वैली का सबसे बड़ा शहर है श्रीनगर। श्रीनगर को बनाया था अशोक ने, अशोक ने उसको फाउंड किया था, ठीक है ना बच्चों। ये बात लिखी गई है कल्हण की राज तरंगिनी में। ओके बच्चों, इस तरह से अब हम आगे के चैप्टर में देखेंगे कि उसकी अचीवमेंट्स क्या थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था, ठीक है, उसकी डिप्लोमेसी और स्टेट के साथ कैसी थी, उसके फॉरेन रिलेशन कैसे थे, सभी बातों पर अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।